हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो संडे का दिन है आज, ऐसे ही सुबह सुबह तो आज कोई प्लान बना नहीं था कि कहीं जाना है। एंड काफ़ी गर्मी भी हो रखा है ये टाइम पे, 11:10 अभी हो रहा है टाइम। इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं यार, बहुत गंदा भी हो गया। हम लोग हाथ से ही भाई साफ़ करने वाले इंसान हो गए, क्योंकि कोई कपड़ा रखने का जगह रहता नहीं है इस बाइक में। तो अमर मेरे दोस्त गौरव वो निकले अभी एक शॉर्ट राइड पे, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, क्या क्या देखने को मिलता है आज का दिन। ओ भाई, पूरा हैंड गार्ड पहना हुआ है, वाह भाई वाह। अपना तो आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है कि भाई अगर एक्स्ट्रा ये सब चीज़ पहनेंगे तो जल के राख हो जाएंगे। मतलब गर्मी तो लगेगा ही लगेगा, जो भी बात है, एंड अभी से ही लग ही रहा है। PCR तो यार ये लोग तो बहुत एक्टिव है आर्म्स चेकिंग के चलते, बहुत ज़्यादा ही हर जगह ही, मतलब अभी कहीं पे भी चेकिंग लगा दे रहा है। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इस जगह पे चेकिंग होगा, बट वहाँ पे भी कर रहा है। ऑल दो जस्ट आर्म्स चेकिंग है, बट ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा वारदात हो गया है अपने सिटी में कि अब तो चेकिंग टाइट करना ही पड़ेगा। ये सब जगह तो मतलब कार का डेकोरेटर वगैरह सब है, सब कुछ कार में, मतलब आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी लगाना हो तो ये लाइन उसी के लिए फेमस है। दोनों ही तरफ आपको कार के लिए सब कुछ मिल जाएगा। बहुत लोग तो यही करता है, कार जैसे ख़रीदता है यहाँ लेके आ जाता है। विस्टन होटल यहाँ का मतलब सबसे ब्यूटीफुल होटल अभी जमशेदपुर का ऐसा किया गया, माना गया है इसको। एक बार भी अभी तक विज़िट किए नहीं है, बट एक बार जाएंगे, देखेंगे भाई इसको क्यों इतना ब्यूटीफुल बोला गया है, क्या रीज़न हो सकता है यार। बाहर से तो अच्छा ही लग रहा है देखने में, एंड मेरा कुछ फ्रेंड्स तो गया हुआ है तो फ़ोटो वगैरह तो देखे हैं, बट कभी खुद नहीं गए अभी तक, तो वो भी एक बार जाएंगे कभी। नो एंट्री खोल दिया है क्या, मतलब लगाएगा अभी यहाँ पर जाम। और यार ये गर्मी में जाम में तो फंसना नहीं है, ख़ास करके ये ट्रक ट्रेलर लोग के बीच में, क्योंकि बहुत गर्म होता है ये सब का इंजन, और भाई फाड़ के रख देगा। बिना हेलमेट का पब्लिक ये सब जगह कैसे घूम ले रहा है यार, मानना पड़ेगा ये लोग का डेयरिंग को भी, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है कि चेकिंग कहाँ हो रहा है। मतलब गप से आ जाएगा पुलिस, छुपा हुआ रहेगा, जैसे देखेगा हेलमेट नहीं है गप से पहुँच जाएगा। टेल्को यहाँ का, यार यहाँ का न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि एक लकर बग्गा जिसको हाइनस भी बोलते हैं, वो कुत्ता टाइप का होता है, मतलब होता ही एक जंगली कुत्ता ही होता है, वो शायद जू से भाग गया है। एंड वीडियो उसका देखे थे मेरे कुछ फ्रेंड लोग, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे, तो वो है बहुत ख़तरनाक, और वो टेल्को में ही घूम रहा है ऐसा ये लोग का कहना है। तो भाई इससे तो बच के रहना ही पड़ेगा, और ऐसा वैसा भी नहीं काटता है भाई, क्योंकि जो फ़ोटो देखे हुए हम उसको हाथ में 2-3 जगह इसका यहाँ गड्ढा हो गया था जिसको काटा है, तो वो पता नहीं वो बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा। और यार टॉप स्पीड देख रहे हो इधर, ये देखो 169। तो यार ये तो दसम से जब आ रहे थे उसी टाइम भगाए थे। तो यार आगे तो कुछ था नहीं, तो वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं था। थीम पार्क था लेकिन वो तो बंद रहेगा, एंड अंदर जाके हम लोग को कुछ कबाड़ना है नहीं भाई वहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं बनता जाके इतना धूप में पार्क वार्क जाके बैठना। अरे भाई भाई भाई, कितना जोरदार गड्ढा है रे यार, कोई दुकान वगैरह अगर दिखेगा तो यार वहाँ ठंडा पानी लेंगे, क्योंकि यार पानी प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, एकदम 5 मिनट में एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है। घर से 1 लीटर पानी पी के निकले थे, मतलब सोचो एक बोतल में 1 लीटर उसी टाइम एकदम पी के जस्ट निकले ही है, एंड अभी फिर से प्यास लग रहा है, और बहुत भयानक ही प्यास लग रहा है, पूरा मुंह सूख गया है। तो कोई अच्छा सा शॉप देखते हैं जहाँ ज़्यादा धूप ना पड़ रहा हो, तो वहाँ रोकते हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई यार पतझर हो रहा है, पतझर। फोटो ले ले फोटो। ओ भाई भाई
कांग्रेस पार्टी का रैली चल रहा है बाबा, घुसा जाएगा। एंड खोजते खोजते एक दुकान हम लोग को नज़र में आ गया है इधर, यहाँ मतलब टेल्को आते हैं तो यहाँ पे आते हैं हर बारी। इधर तो ये जगह तो बेस्ट है ही वैसे, तो यहाँ गाड़ी लगाते हैं एंड पीते हैं पानी। नहीं, बहुत प्यास लग रहा है यार। तो यार बॉडी हो चुका है हाइड्रेट, एक लीटर पानी फिर से हम लोग पिए हैं, मतलब एक लीटर में तीन लोग पिए हम लोग, एंड लस्सी वगैरह भी पिए। तो यार अभी काफ़ी ठंडक मिला है बॉडी को। तो यार अब बढ़ते हैं एंड चलते हैं घर की तरफ ही, क्योंकि ये एक बहुत ही शॉर्ट व्लॉग बनेगा, ज़्यादा लंबा हम लोग का ये था नहीं। एंड कुछ फ़ोटो रील्स वगैरह हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे तो वो इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉलो वॉलो करिए यार, एंड चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए। आज शायद ये तीन चार संडे के बाद ही ऐसा हुआ होगा जो सुबह सुबह संडे राइड का प्लान नहीं बना कहीं हाईवे वगैरह जाने का। तो सुबह सुबह ये भाई का फ़ोन आया, बोला कि यार चलो सिटी राइड में ही मतलब कई एक स्लॉट व्लॉग ही बना देते हैं, क्योंकि कहीं जाना है नहीं वैसे भी। एंड अगर सुबह सुबह निकलना होता है तो वही 5-6 बजे तक में अगर निकले तो फिर ठीक रहता है, बट 9-10 अगर बच जाता है तो फिर यार धूप में मन नहीं करता, उस टाइम राइड स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। अगर 6 बजे तक ही अगर राइड स्टार्ट हो जाता है तो फिर यार ठीक है, बट लेट हो जाता है तो यार उसके बाद मन नहीं करता है कि अभी राइड स्टार्ट किया। गर्मी नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है, क्या पड़ेगा है ना, हाईवे में तो कभी नहीं पहनता है। आज निकाले है, हाँ ऐसे ही छोटा छोटा घूमने के लिए निकाल लिया क्या? 10 सेकेंड 8 सेकेंड बनाओ बनाओ, अच्छा है। मेरा मन नहीं किया जैकेट वैकेट पहनने का, आज हालत ख़राब हो जाता है यार सच में। देख रहे हो कैसे भाग रहा है, घोड़ा नहीं पकड़ पा रहा उसको। ओ भाई भाई भाई, बड़े हैवी ड्राइवर हो यार गौरव तुम, ओ तुम्हें बड़े हैवी ड्राइवर हो चाचा। सन से पार भाई, पुराना लेकिन 220 में दम था यार, जो भी बात है। BS3 एंड 2011-12 मॉडल है इसका, तो यार उसी में एक बस पावर फील होता था। अभी वाला जो आ गया है वो तो यार मतलब पहले का पल्सर 180-150 जैसा एकदम फीलिंग आता है उसमें, मज़ा ही नहीं आता भगाने में। एंड बट अभी तो वो बाइक भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि पल्सर N250 और F250 के चलते। भाई टांग ले मेरा बाइक भी यार, पेट्रोल बच जाएगा। इसमें भी रख सकते हैं छोटा हाथी, तेरा छोटा हाथी मेरा बड़ा घोड़ा। देखो अभी रोके थे पानी पीने के लिए, इतना पानी पिया अभी फिर से प्यास लग गया है। तो यार आप समझ ही सकते हो कितना धूप में ये वीडियो बनाने का मेहनत चल रहा है मेरा। तो यार गर्मी तो आप लोगों को पता ही है जमशेदपुर में, मतलब बाकी सभी शहर में भी होगा 40 डिग्री के अराउंड है। एंड ऐसे में निकल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो यार आप लोगों को बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सब फ्री है यार, कर दो। इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो भाई इतना तो बनता ही है, आप लोग का भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि सपोर्ट थोड़ा करो। गन्ने का जूस पी लिया जाएगा, पी लेते हैं। बहुत गर्मी हो रखा है यार, गन्ने का जूस पिया जाए। बनाइएगा अंकल, बर्फ़ है
हाँ ओहो तो यार ये पी लेते हैं पहले, क्योंकि देख ही सकते हो यार क्या गरम 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 चल रहा है ज़िंदगी। सन चिथड़ा उड़ जाता है यार, यहाँ हाथ रखो ना तो पता चल जाएगा क्या होता है। पुदीना नींबू दोनों इतना गर्मी पड़े तो यार पीना ही पड़ेगा। चलिए पी के आप लोगों से मिलते हैं। तो यार गन्ने का जूस तो अंदर चल ही गया है पेट में, और पेट ऐसा लग रहा है कि पूरा भर चुका है मेरा। ओ भाई धकार आ रहा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही था, एक शॉर्ट वीडियो जो कि कड़ी धूप में आप लोगों के लिए निकले थे बनाने के लिए वीडियो। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज़। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।